तेरे दर पे आके थम गए, मैं ना नमाजी बन गए। आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम दिल लगाए। तो आज की वीडियो में कैसे आप लोग को इस वाले स्टेटस का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली एलाइट मोशन एम की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रीशेट वगैरह मैंने दे रखा है एंड कुछ मटेरियल दे रखा है जिसको डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड जो प्रीशेट है उसको एलाइट मोशन में इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों प्रीशेट इम्पोर्ट कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को बुकमार्क प्रीशेट है उसको ओपन करना है, ठीक है। दोनों प्रीशेट यहाँ पे आ जाता है। तो फर्स्ट आप लोग को बुकमार्क प्रीशेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने जो लिरिक्स वगैरह उसको लिख कर रखा हुआ है। आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग को यहाँ पे जहाँ लिरिक्स इन होता है वहाँ पे आना है एंड फिर यहाँ पे गाइस फोटोज ऐड करने है। तो बुकमार्क पे आना पहले, ठीक है। डस पे टैप करके मीडिया पे आना है एंड यहाँ से आप लोग को अपना जो फर्स्ट फोटो रहेगा उसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके पे लेना, थ्री डॉट पे टैप करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बुकमार्क पे जाना, उस वाले आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे आगे का पार्ट जो है कट कर देना है। फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे आना है। नेक्स्ट फोटो लेना, थ्री डॉट पे टैप करके फिल कंपोजिशन कर लेना है। फिर से नेक्स्ट वाले बुकमार्क पे आना है, तो यहाँ पे टैप करना एंड आगे का पार्ट जो है कट कर देना है। फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे आना है एंड यहाँ पे गाइस इस तरीके से आप लोगों को पूरा लास्ट तक के जो फोटोज है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कि आगे करना क्या होगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे देखिए इतना फोटो ले लिया, मैंने पूरा लास्ट तक नहीं लिया, ठीक है। अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे गाइस आप लोग को दो तरह के बुकमार्क दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल एंड यहाँ पे डबल, फिर से यहाँ पे सिंगल एंड डबल। तो यहाँ पे जो डबल वाला दिख रहा है इस पे आप लोग को टैप करना है, सिंपली से इस पे टैप करना, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस इसका आप लोग को डुप्लीकेट करना है, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो ये वाला इस पे आप लोग को टैप करना है ऊपर वाले लेयर पे एंड यहाँ पे आप लोग को थ्री डॉट पे टैप करके इसको फिट कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पे टैप कर देना है। फिर से यहाँ पे आगे आना, जहाँ पे डबल बुकमार्क आता है इसका आप लोग को फिर से टैप करना है, इस वाले आइकन पे आना एंड डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। जो ऊपर वाला लेयर है उस पर टैप करना, थ्री डॉट पे टैप करना, इसको फिट कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप लोग को जहाँ पे डबल बुकमार्क आता है उसको आप लोग को डुप्लीकेट करना है एंड ऊपर वाले लेयर पे टैप करके इसका भी आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाने के बाद भी आप लोग को पूरे इसको पूरा लास्ट तक कर लेना है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ से सिंपली बैक आ जाना, बैक आने के बाद जो न्यू प्रीशेट वाला एसपी टेक वाला उसको आप लोग को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद देखिए ये वाला जो इफेक्ट है इसको आप लोग को कॉपी करना है। तो फोटो पे टैप करना, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड फिर से बुकमार्क प्रीशेट ओपन करना है, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद भी जितने भी यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे सिंगल बुकमार्क वाले फोटो है उस पर आप लोग को ये वाला इफेक्ट जो है पेस्ट कर देना। तो फोटो पे टैप करना, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है। फिर से यहाँ पे आगे आना, देखिए यहाँ पे भी सिंगल बुकमार्क है तो यहाँ पे आप लोग को फोटो पे टैप करना, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। फिर से आगे आना, यहाँ पे भी आप लोग को इस तरीके से पेस्ट कर देना है एंड फिर से आगे आना है गाइस, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को पूरा लास्ट तक पेस्ट कर देना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है एंड फिर से न्यू प्रीशेट बाय एसपी टेक वाला ओपन करना, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप लोग को आगे आना, देखिए यहाँ पे आप लोग को दो लेयर देखने को मिल रहा होगा। तो फर्स्ट गाइस आप लोग को नीचे वाले लेयर जो दिख रहा है इस पे आप लोग को टैप करना है, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड फिर से बुकमार्क प्रीशेट ओपन करना, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आगे आना है आप लोगों को एंड जहाँ पे गाइस हमने डबल फोटो से ऐड किया है, देखिए डुप्लीकेट जो हमने किया था, तो इसके जस्ट नीचे वाले लेयर पे आप लोग को टैप करना है, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है। फिर से आगे आना, देखिए यहाँ पे भी डबल फोटो हमने ऐड किया था, तो नीचे वाले लेयर पे टैप करना है, इफेक्ट पे आना एंड थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है। फिर से आगे आना, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को इस तरीके से अप्लाई कर देना है, तो पूरा लास्ट तक इसको कर लेना। ये हो जाने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से सिंपली यहाँ पे गाइस अगर आप इस फोटो को जो नीचे वाला लेयर है इस पे आपको टैप करके मूव एंड ट्रॉम होम के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जूम करना चाहो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आकर के इसको इस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आकर के उसको एडजस्ट वगैरह कर लेना। ये हो जाने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से बैक आ जाना है। जो न्यू प्रीशेट बाय एसपी टेक वाला इसको आप लोग को फिर से ओपन करना है। इसका जो सेकेंड वाला लेयर है जो ऊपर वाला इस पे आप लोग को टैप करना है, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को फिर से जो यहाँ पे बुकमार्क प्रीशेट है उसको ओपन कर लेना है। ये करने के बाद आप लोग को आगे आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डबल फोटो डुप्लीकेट वाला है उसको जो ऊपर वाला लेयर इस पे आप लोग को टैप करना है, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है। फिर से आगे आना है, यहाँ पे भी आप लोग को ऊपर वाले लेयर पे टैप करना, इफेक्ट पे आना, थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग को इस तरीके से पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पे इस तरीके से कर लेना, जितने भी डबल जहाँ पे डुप्लीकेट वाले फोटोज है उस पर। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे एनिमेशन वगैरह देना है, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाले लेयर इस पर आप लोगों को टैप करना है, यहाँ पे मूवन ड्रॉमफॉर्म के ऑप्शन पे आना, ठीक है, एंड जूम वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस की देना है कुछ, यहाँ पे कर लेते हैं हम पहले। अभी यहाँ पे आना है कुछ, ठीक है, देखिए इतने में आना फोटो के, यहाँ पे भी एक प्लस की देना एंड इसको इस तरीके से जूम आउट कर लेना है। और ये करने के बाद भी आप लोगों को पूरा यहाँ पे लास्ट में आना है, यहाँ पे भी एक प्लस की देना है एंड इसको आप लोग को इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है। और जूम करने के बाद ये वाला जो की है उसको आप लोगों को पूरा लास्ट में ले आना है एंड ये वाला जो की है उसको स्टार्टिंग में। अब इन दोनों की के बीच में आप लोगों को आना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक की है एंड कुछ यहाँ पे है, तो इन दोनों की के आप लोगों को बीच में आना है, यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पे आना एंड इसको गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसको कर्व दे देना है। फिर इन दोनों की के बीच में आना एंड इसको कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से आगे आना है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट जो फोटो है जो ऊपर वाले लेयर पे टैप करना, मोन ड्रॉमफॉर्म के ऑप्शन पे आना, फिर से यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन पे आना। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक प्लस की देना है, ठीक है, स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ यहाँ पे आना है, एक और प्लस की देना है, इसको आप लोग को जूम आउट कर लेना है। और जूम आउट करने के बाद भी यहाँ पे लास्ट में आना, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्लस की देना है एंड इसको आप लोग को इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ये वाला जो की है उसको यहाँ पे लास्ट में लेके आ जाना है, ये वाला जो की है उसको स्टार्टिंग में। अब जैसे यहाँ पे इन दोनों की के फिर से बीच में आना, कर्व वाले ऑप्शन पे आना, इसको आप लोग को कुछ इस तरीके से कर्व दे देना है एंड इस वाले पे आ करके आप लोग को इसको कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। सेम इस तरीके से आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को दोनों को बताया है, सेम इसी तरीके से आप लोग को जितने भी डुप्लीकेट वाले फोटोज है सभी मैं आप लोग को यहाँ पे की वगैरह दे करके सेम एक में और बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट आप लोग को ऊपर वाले लेयर पे टैप करना, मूव एंड ट्रॉम्फॉर्म के ऑप्शन पे आना, यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन पे आना, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्लस की देना है, फिर से आप लोग को आगे आना कुछ इतने में, फिर से एक प्लस की दे करके इसको जूम आउट कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को लास्ट में आना है, यहाँ पे भी एक प्लस की देना, फिर इसको आप लोग को इस तरीके से जूम कर लेना है। ये वाला की आप लोग को लास्ट में ले आना है एंड इसको फर्स्ट में। अब गाइस इन दोनों की के बीच में आप लोगों को देखिए, इन दोनों की के बीच में आना, कर्व वाले ऑप्शन पे आना, इसको कुछ इस तरीके से की देना है एंड यहाँ पे इस वाले को आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को पूरा जितने भी डबल फोटोज रहेगा उन सभी को आप लोग को कर लेना है। अब ये जब कम्प्लीट हो जाएगा गाइस, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो लिरिक्स रहेगा उसका आप लोग को यहाँ पे फॉन्ट वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली लिरिक्स जो दिख रहा है आप लोग को इस पर आप लोग को टैप करना है, यहाँ पे एडिट टेस्ट पे आना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टैप करना है व्यू ऑल फंड के ऑप्शन पे आना, ठीक है, एंड जो मैं आप लोगों को वेबसाइट पर दे दिया रहूँगा वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद थ्री डॉट पे टैप करना, इंपोर्ट फंड पे आना है, वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद भी आप लोगों को देखिए यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप लोगों को देखिए यहाँ पे लेमन मिल्क का आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आप लोगों को टैप करना है एंड जो फंड है यहाँ पे आ जाता है। गाइस यहाँ पे अगर शो नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को जो एलाइट मोशन है उसको आप लोगों को एक बार ऑफ कर लेना है, ठीक है, एंड इसके बाद आप लोग को फिर से इसको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट रहेगा वो आ जाता है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जस्ट आप लोग को एक लाइट इफेक्ट जो है वो ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में आना, प्लस पे टैप करके मीडिया पे आना एंड उसका लिंक जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग को इसको सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से लेना, देन यहाँ पे आप लोग को टैप करके थ्री डॉट पे आना, फिल कम्पोजिशन कर लेना है एंड यहाँ पे गाइस जहाँ पे लिरिक्स एंड होता है वहाँ पे आना है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट वाले बुकमार्क पे आना है, इस पर टैप करना, आगे का पार्ट जो है कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे आना है, लाइटन पे आना है, इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद देखिए इस तरीके से जो इफेक्ट है वो लग जाता है गाइस। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग का वीडियो जो है पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाता है। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।